हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी लेकिन बड़ी ही कम इंग्रेडिएंट्स वाले बर्थडे केक की रेसिपी। और स्पेशल बात इस केक की ये है कि इसकी मार्केट जैसी फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे दूध से निकाली हुई मलाई से व्हिपिंग क्रीम बना के। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी भव को तुरंत नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो केक बनाने के लिए हमने ले लिया एक केक टिन, ये 7 इंच का केक टिन है और इसे ऑयल से हम बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हर तरफ से। हम इसमें प्लेस कर लेंगे एक बटर पेपर और इस बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली टिन को ग्रीस करने के बाद में मैदे से डस्ट कर लें, इससे भी केक एकदम अच्छे से निकल आता है बाहर। और ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसे रख लेंगे साइड में ना। तो केक बेक करने के लिए एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पे, इसमें हम रखेंगे एक वायर स्टैंड और अब इसे एक लिड से कवर करके मीडियम आंच में करीब 10 मिनट तक प्रीहीट होने देंगे। तो अब करेंगे हम केक स्पॉन्ज बनाने के लिए तैयारी। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 80 ग्राम वाले 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट्स। ये 7 रुपए ईच वाला पैकेट है, यानी इन टोटल ये 320 ग्राम बिस्किट्स हैं। पार्ले जी बिस्किट बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल होता है और बहुत ही कम प्राइस में आ जाता है। और अब ये सारे बिस्किट्स हम तोड़ तोड़ के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और अब इन सारे बिस्किट्स को अच्छे से ग्राइंड करके हम इनका एक महीन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए बिस्किट पाउडर तैयार हो चुका है, इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। इस बिस्किट पाउडर में अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप पिसी हुई शक्कर और इन दोनों चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब इस बिस्किट पाउडर में हम ऐड करेंगे 1 कप और 3/4 बड़ा चम्मच दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पे है, यानी कि ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। और ये दूध धीरे धीरे करके हम बिस्किट पाउडर में ऐड करते जाएंगे और दूध को ऐड करते हुए हमें बिस्किट पाउडर के साथ इसका एकदम स्मूथ बैटर बना लेना है। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी बैटर में मिक्स कर देंगे। वनीला एसेंस ऐड करने से पार्ले जी केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं फाइनली ले रही हूँ 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसकी बजाय 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर जाएगा 1 चम्मच दूध। और अब इस बैटर को हमें एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी हमें इसकी। सारी चीजें हो गई बिल्कुल अच्छे से मिक्स और अब हम ले लेंगे केक का टिन और सारा बैटर केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। इस केक टिन को हम टैप करेंगे सो दैट कोई बड़े एयर बबल्स अगर हो तो वो निकल जाएं। और अब तक हमारी कढ़ाई भी रीहीट हो चुकी है इसलिए हम इसका लिड हटाएंगे। तो अब ये बैटर वाला केक टिन सीधे हम ट्रांसफर कर देंगे इस कढ़ाई में, इसको लिड से कवर कर देंगे और अब मीडियम से लो के बीच में फ्लेम रखते हुए हम इसे करीब 40 से 45 मिनट तक बेक कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप इसे कन्वेक्शन या ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री पे प्री हीट करके करीब 35 से 40 मिनट तक इसे बेक कर लें। एग्जैक्टली 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और अपना केक चेक कर लेंगे। लुक एट दिस, बहुत बढ़िया फूला है केक। और अब हम ले लेंगे एक टूथपिक, इसे हम सेंटर में प्रिक करेंगे केक के। ये केक इतना फूला है कि पूरी टूथपिक अंदर चली गई है। और ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम केक मोल्ड को बाहर निकाल लेंगे और अब हम इस केक को ठंडा हो जाने देंगे और तब तक हम केक की फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। तो अब आती है मलाई से व्हिप्ड क्रीम बनाने की बारी। नाउ मलाई से व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया था जिसे मैंने उबाल के रूम टेम्परेचर पे ला के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। इसी की मलाई हम अलग निकाल के रखेंगे और अब इस मलाई को हम करछी की हेल्प से निकाल के एक अलग बोल में रख लेंगे। और ये देखिए ये निकाल ली हमने मलाई। तो अब मैं ले रही हूँ एक ये सेपरेट बोल, इस पे रखेंगे एक छन्नी और इस छन्नी से हम मलाई और क्रीम अलग करेंगे। नाउ ये क्या है मलाई और क्रीम? एक्चुअली जो अभी अभी क्रीम हमने निकाली है वो डबल फैट क्रीम है जिसमें फैट भी है और मलाई भी है। हमें इसके लिए सिंगल फैट क्रीम चाहिए, मतलब बटर बनाने वाला पार्ट है एकदम थिक मलाई है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिंगल फैट वाली क्रीम चाहिए। और इसीलिए हम हल्का हल्का छान लेंगे इस डबल फैट वाली क्रीम को, बहुत ज्यादा नहीं छानना है, फैट पार्टिकल्स नीचे नहीं जाने चाहिए छन के बोल में। और ये देखिए ये डबल फैट क्रीम सारी ऊपर आ गई है छन्नी के और इसका इस्तेमाल हम बटर बनाने के लिए करेंगे, ये प्योर बटर है। वहीं ये सिंगल फैट क्रीम सारी की सारी बोल में कलेक्ट हो गई है और ये करीब 3/4 कप से 1 कप के बीच में सिंगल फैट क्रीम होगी। अब इस क्रीम को हम आधे घंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में। आधे घंटे के बाद हमने क्रीम को निकाल लिया है और अब मैं ले रही हूँ एक बोल और इस बोल को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था क्रीम के साथ।
और अब इस बोल में हम क्रीम ट्रांसफर कर लेंगे। नाउ इस क्रीम को अब हमें विस्क करना है या विप करना है, तो इसके लिए आप चाहें तो ये हैंड बीटर से इसे विप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इससे भी इसे विप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसे इलेक्ट्रिक बीटर से विप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसे विप करेंगे लो मोड पे। नाउ मलाई से व्हिपिंग क्रीम बनाने में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले कि छनने के बाद जो क्रीम हमें मिलती है उसमें ना तो बटर होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क होना चाहिए। बेसिकली हमें केवल सिंगल फैट क्रीम चाहिए। और सेकेंडली क्रीम एकदम ठंडी रहनी चाहिए व्हिपिंग के दौरान पूरा टाइम, तभी मलाई से व्हिपिंग क्रीम बन पाएगी, अदरवाइज इसमें पीक्स बनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। करीब 8 से 10 मिनट तक व्हिप करने के बाद मलाई क्रीम में सॉफ्ट पीक जैसे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़ा चम्मच एकदम महीन पिसी हुई शक्कर और इसे हम दोबारा व्हिप कर लेंगे। और इसी बीच ये देखिए जैसे हमने इसमें शक्कर डाली है, क्योंकि ये मलाई है इसलिए डालते ही शक्कर ये तुरंत एकदम पतली हो गई है। और अब मीडियम स्पीड पे मैं इसे व्हिप कर लूंगी। 5 मिनट तक फिर से विस्क करने के बाद क्रीम हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आ गई है, इसलिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लेंगे और फिर से इसे व्हिप करेंगे। 10 मिनट के बाद हमने फ्रीजर से निकाल लिया क्रीम को और अब हम इसे करीब 5 से 6 मिनट तक और व्हिप करेंगे, तब तक के लिए जब तक कि इसमें हार्ड पीक्स नहीं बनने लगते। और ये देखिए हमारी क्रीम में पीक्स बनने लगे हैं। इस स्टेज में हम इसमें डाल रहे हैं करीब 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस, और वेनिला एसेंस को भी हम बिल्कुल अच्छे से व्हिप कर लेंगे क्रीम में। और फ्रॉस्टिंग के लिए हमारी व्हिपिंग क्रीम बनके बिल्कुल तैयार है मलाई से, और 2 लीटर फुल क्रीम दूध की मलाई से हमने इतनी व्हिपिंग क्रीम बना के तैयार की है। ये केक ठंडा हो चुका है और अब इसको हम एजेस से अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे, बटर पेपर अलग कर लेंगे इससे और केक को सीधा कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया केक बना है। मैं आपको सबसे पहले प्रेस करके दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी है ये। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम केक के टॉप पोर्शन को एकदम बराबर कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे क्योंकि हमें एकदम बराबर टॉप चाहिए। और अब इस केक स्पॉन्ज को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहें तो केवल 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं इसे। ये देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा बना है केक। तो अभी मैंने ले लिया है एक केक बोर्ड, आप चाहें तो इसकी बजाय कोई प्लेट भी ले सकते हैं। इस पे मैंने फैला लिया थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग और अब इस पे हम प्लेस कर लेंगे केक का पहला पोर्शन। और ये ले लिया है मैंने शुगर सिरप। ये सिंपली 1 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में घोल लिया था और ये शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। तो ये शुगर सिरप बिल्कुल अच्छे से हम ब्रश कर लेंगे केक की इस लेयर में ताकि हमारा केक एकदम मॉइस्ट बने। अब हम ले लेंगे थोड़ी सी मलाई फ्रॉस्टिंग और इसे हम केक की लेयर पे फैला देंगे। इस पे हम प्लेस कर लेंगे केक की दूसरी लेयर और इसे भी हम एकदम अच्छे से ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप से। इस पे भी अब हम फैला लेंगे फ्रॉस्टिंग की एक लेयर और अब हम इस पे प्लेस करेंगे केक की तीसरी लेयर। इस पे भी हम ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप एकदम अच्छे से। और अब केक के टॉप पोर्शन में और इसके चारों साइड्स पे हम एकदम अच्छे से क्रीम की लेयर लगा लेंगे और अब हम इसके साइड्स क्लीन कर लेंगे। अब इस केक पे फ्रॉस्टिंग सेट होने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे करीब 1/2 घंटे के लिए। ना बची हुई क्रीम में से मैं थोड़ी सी क्रीम ले ले रही हूँ और इससे हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए इस क्रीम में मैं ऐड करूंगी पिंक कलर, डैश ऑफ कलर, और ये देखिए लाइट पिंक कलर बनके तैयार हो गया है। और अब इस पिंक क्रीम को हम ट्रांसफर कर लेंगे एक स्टार नोजल वाले कोन में। एक दूसरे बोल में हमने फिर से ले ली है थोड़ी सी बची हुई क्रीम, इसमें हम डालेंगे 1-2 ड्रॉप ग्रीन कलर और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे ये लीव शेप वाले नोजल कोन में। 1/2 घंटे बाद हमने अपना केक निकाल लिया है और अब ये जो कलरफुल क्रीम हमने बना के रखी है इससे हम अपने केक की डेकोरेशन कर देंगे। और अब ये ग्रीन कोन से हम इसकी पेटल्स बना लेंगे और केक के बेस पे भी हम पिंक फ्रॉस्टिंग से ट्रेल जैसा डेकोरेट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बर्थडे केक है ये, इसलिए मैं केक पे हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दूंगी। और बनके बिल्कुल तैयार है हमारा मलाई की फ्रॉस्टिंग से बना हुआ बहुत ही ज्यादा स्पेशल बर्थडे केक। बहुत ही ब्यूटीफुल केक बना है और खाने में तो ये इससे भी ज्यादा मजेदार है। तो प्लीज आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।